इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले कि किसान आंदोलन जिस तरह से हुकूमत को वापस लिया गया, मरकज़ी हुकूमत को किस तरह से किसानों ने घुटने पर लाया, उसी किसान संयुक्त मोर्चा का एक हिस्सा अखिल भारतीय किसान सभा के अशोक ढवली हमारे साथ मौजूद हैं। वो दिल्ली से यहाँ पर आए हुए हैं। आज जो है किसानों की जानिब से एक एहतजाजी इजलास मुनक्कद किया गया था जो कानून किसानों को लेकर हैं उसके ख़िलाफ़ अभी भी आवाज़ बुलंद है, लिहाजा उसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए वो यहाँ पर बेलगाम तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले सर आपका खैर मकदम इस्तकबाल। सर जिस तरह से किसान कानून वापस लिए गए, कर्नाटक हुकूमत आज भी अपनी अड़ियल रवैये पर है, तो आप इस मोमेंट को कहाँ तक और ले जाएंगे सर? ये जो आपने एकदम सही कहा, केंद्रीय किसान कानून, ये जो कृषि कानून जो उनको वापस लेने पड़े एक साल के बाद, ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये बहुत ही ज़बरदस्त जीत थी पूरे भारत के किसानों की, और एक साल तक लड़ने के बाद ये जीत हासिल हुई। पूरी एकता के साथ संयुक्त किसान मोर्चा लड़ा, कई संगठन, 500 से ज़्यादा संगठन उसके अंदर थे, और दमन का सामना करते हुए, बदनामी का सामना करते हुए, कोरोना का सामना करते हुए पूरे शांतिपूर्ण तरीके से, और सभी जाति धर्म और भाषाओं को मानने वाले सभी किसान एक साथ रहते हुए ये जीत हासिल की है। तो अभी ये जीत हासिल करने के बाद जब कर्नाटक की आप बात करते हैं, यहाँ पर भी बीजेपी के सरकार ने बहुत ही खतरनाक तीन कानून ये उन्होंने पास किए हैं। तीनों कानून जिसके अंदर एपीएमसी को ख़त्म करने वाला, पूरे भूमि सुधार का कानून उसको रद्द ही करने का समझो, जिस प्रकार से अमेंडमेंट उन्होंने की है, एक नए प्रकार की ज़मींदारी को लाने का ये उनका जो प्रयास है, पूरे कॉरपोरेट को ज़मीन देने का ये जो उनका इरादा स्पष्ट होता है, और दूसरा ये गौहत्याबंदी का जो कानून है, इसके चलते पूरी तरीके से कर्नाटक के किसान और कर्नाटक की जनता उसका सत्यानाश होने वाला है। और इसलिए जैसे ये सब संगठन साथ में लड़े, बहुत अच्छी बात है कि संयुक्त होराटा कर्नाटक ने लगातार इन कानूनों के खिलाफ में एक साथ में संयुक्त संघर्ष किया। आज भी संयुक्त हमारा ये जो असेंबली जैसे ये हम कर रहे हैं, तो इसका ज़बरदस्त उसका फ़ायदा होगा। पूरे कर्नाटक में ज़ोरदार हम संघर्ष, सभी संगठन मिलके ये संघर्ष करेंगे, और जैसे केंद्र के कानून रद्द करने पड़े वैसे कर्नाटक सरकार को भी ये कानून रद्द करने को लगाएंगे। जैसा आपने कहा कि ये गौहत्या कानून को वापस लेने की आपकी मांग है, यहाँ तो हर मामले को हिंदू मुस्लिम बना दिया जाता है, धर्म की जात की बुनियाद पर तफरका पैदा किया जाता है, फिर कहाँ तक किसान इसमें कामयाब हो सकते हैं? क्योंकि हर रोज़ाना कर्नाटक में आजकल ये सांप्रदायिक वारदातें बढ़ चुकी है। जाहिर है हुकूमतों का आजकल चुनाव जीतने का एक नया तरीका है, तो इसे कैसे रोक पाएंगे आप? किसान तो ठीक है अपनी जगह पर वो कामयाब हुए हैं, और यकीनन ये तारीखी है, दुनिया में इस तरह का कहीं पर भी आंदोलन इतने लंबे अरसे तक
फिर कई सारे किसानों को अपनी जानों की कुर्बानी देने के बाद इस नतीजे में ये काले कानून वापस दिए। लेकिन धर्म की बुनियाद पर जिस तरह से लोगों को गुमराह किया जाता है, इस पहलू को कैसे रोक पाएंगे? वही एकदम सही आपने बात कही। देखिए, बीजेपी और आरएसएस का क्या है, उनके पास हथियार, ये धर्म का ही हथियार है, दूसरा कोई हथियार उनके पास नहीं है। लोग भी अभी जान चुके हैं कि इनके 7 साल के हुकूमत में महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, देश बेचने को इन्होंने लिया, सब लोग सब जानते हैं। सवाल ये है कि इसके खिलाफ में आज जैसे किसान आंदोलन दिल्ली में लड़ा, उसके अंदर आप देखो सिख किसान थे पंजाब के, हिंदू किसान सभी जगह से थे, मुसलमान किसान बहुत बड़े पैमाने पर थे, आपको मोहम्मद जोला जी का याद होगा वहाँ मुजफ्फरनगर में, सब मुसलमान किसान एक साथ थे, क्रिश्चियन किसान भी थे, जो कुछ थोड़े बहुत बौद्ध किसान भी थे। इन सब लोगों को इनके अंदर ये संघर्ष से एक सबक मिला कि हमारा धर्म कुछ भी ओरिजिनल होगा, लेकिन सही माने में हमारा धर्म है किसानी। कोई भी जात के, सभी जाति के लोग थे उसके अंदर या आंदोलन में, लेकिन उन्होंने भी समझा कि इस सरकार के साथ अगर लड़ना है तो हमारी जात एक ही है, वो है किसानी की जात। ये एक जो भावना है, ये भावना हर गांव में, हर तहसील में, हर जिले में और पूरे देश में हमको पैदा करनी पड़ेगी, और वो हो सकता है, ये आंदोलन ने सिखाया, समझे ना। उन्होंने हिंदू मुस्लिम कम करने का कोशिश नहीं किया, ये भी आंदोलन में, लखीमपुर खीरी में क्या किया उन्होंने, सिख खिलाफ हिंदू, इस प्रकार का उन्होंने किया लखीमपुर में, ये मैं फ्रैंकली आपको बोलता हूँ। लेकिन सब हिंदू किसान भी, क्योंकि आप जानते हैं 4 किसान जो मारे गए ये अजय मिश्रा टेनी ने, वो 4ों सिख थे, लेकिन पत्रकार हिंदू था, है ना। तो ये सब, लेकिन फिर भी सभी किसान, चाहे सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म के हो और जाति के हो, लखीमपुर के एक साथ में खड़े हो गए कि इनको हम नहीं जाने देंगे, समझे। तो ये बात लगातार करनी चाहिए। ये जो धर्मनिरपेक्षता का ये है, उसी से हमें देश को भी आज़ादी मिली ना, महात्मा गांधी, भगत सिंह, ये इतिहास हमने देखना चाहिए ना। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है सर, किसानों ने कुछ हद तक रुख को मोड़ दिया है, लेकिन इस जो फैसला जो उन्होंने लिया है वापस, क्योंकि वो पहले भी तो ले सकते थे फैसला, लेकिन जब उनको नुकसान होता दिखने लगा तो फिर उन्होंने वापस लिया। तो इसको सियासी फैसले के तौर पर देखा जा रहा है, जब ये सियासत, अभी करीब चुनाव है, यूपी के भी हैं, पंजाब के भी हैं, तो फिर धर्म का कार्ड आज भी खेला जा रहा है। क्या लोग किसान आंदोलन को भूल तो नहीं जाएंगे सर? नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इतना बड़ा 1 साल का ऐतिहासिक आंदोलन, इसका ज़रूर असर पड़ेगा, पूरे देश भर भी पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड जहाँ चुनाव अभी ड्यू है, सब जगह में इसका असर होगा, मैं आपको बोलता हूँ। क्योंकि लोग भी जानते हैं कि ये हमें बेवकूफ़ बनाने में अभी माहिर है, लोग भी जानते हैं। अभी लोग क्या इतना ये नहीं हो गए, पहले होते थे, ज़रा थोड़ा बहकाव में आते थे, लेकिन अभी लोग भी जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। सर, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए, हम आवाम को ये बोलेंगे, इस देश की आज़ादी सभी किस्म के, सभी धर्म और जातियों ने एक साथ मिलकर ब्रिटिशों को हकाल दिया। अभी हमको वही प्रकार से सभी आपका, हमारे धर्म के, जाति के, भाषा के, मजदूर और किसानों को, जनता को साथ में लाकर ये जो नया हमला अभी शुरू हो रहा है, ये सांप्रदायिकता का, और सांप्रदायिकता का गठजोड़ है कॉरपोरेट के साथ, देश लूटने वाले, ये डबल है हमला, ये ध्यान में रखिए, अभी सिंगल नहीं है, ये दोनों एक साथ आए हैं, सांप्रदायिकता भी है, तानाशाही भी है, और देश को लूटने वाले ये जो कॉरपोरेट है, इन तीनों के खिलाफ हमको पूरी तरीके से एक रहना पड़ेगा। अगर आप एक रहोगे तो इस देश को बचा पाओगे और इस देश को बाद में सुधार। सर, आखिरी सवाल, महात्मा गांधी की जगह पर गोडसे की जय जयकार हो रही है, संविधान को संसद के बगल में जलाया जा रहा है सर, इसके बावजूद भी पूरे देश में एक सन्नाटा देखा जा रहा है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, देखो, सन्नाटा का मतलब ये नहीं है, लोग जब चुनाव आएगा अपना मत जरूर व्यक्त करेंगे। आप देखो, अभी केरला में चुनाव हुए, पूरा भाजपा तो साफ हो गया, सुपड़ा साफ, एक विधायक था पहले, अभी 0 पर आ गया केरल में, आपको याद है वो, अभी 3-4-5 महीने पहले तमिलनाडु में हार गए, AIDMK के साथ उनका गठबंधन था, ख़त्म हुए, बंगाल में ख़त्म हुए,
आसाम में जीते, लेकिन वो भी पौना टक्का वोट से, 0.75 उससे जीते। थोड़ा इधर उधर होता, आसाम भी हारते थे। यूपी के अंदर अप्रैल में पूरे पंचायत के चुनाव हुए, जिला परिषद पंचायत। विधायकों को खरीदने की एक टैक्टिस इस्तेमाल करते हैं वो लोग। कर्नाटक में हमने यही देखा है, कर्नाटक में देखा है, गोवा में वही किया, अलग अलग किया। लेकिन जब बड़े पैमाने पर अगर जीत होती है, फिलहाल विचारधाराओं की कुछ मायने है या नहीं है? है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम तो चाहते हैं कि विचारधारा के ऊपर ही हमको लड़ना होगा, तो ही ये देश बच पाएगा। अगर आया राम गया राम जैसे लोग हुए और आज इधर कल उधर, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो एक ताकत के साथ लोगों ने कुछ विचारधारा को अपनाना चाहिए, और वो विचारधारा है आज़ादी की, वो विचारधारा है धर्मनिरपेक्षता की, वो विचारधारा है लोकतंत्र की, और वो विचारधारा मैं आगे जाके कहूँ वो है समाजवाद की। ये अगर करोगे तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इसी प्रकार से चलते रहेगा, ये हमारा कहना है। और लेकिन उस तरफ हमारा देश ज़रूर आएगा, हमें पूरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अशोक डवली साहब, जिन्होंने बेबाकी के साथ अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि ये धर्म, ये जो मजहबी ताकतें हैं, सांप्रदायिकता यकीनन हार जाएगी, भले वो अभी कामयाब होती नजर आ रही हो। मुल्क में किसान आंदोलन को लेकर कई सारी तब्दीलियां भी देखी जा रही है। ये अशोक डवली साहब थे जिन्होंने राकेश सिंह टिकैत के साथ अपना वक्त गुजारा, और यहाँ पर उन्होंने जिस तरह से तब्दीली जो दिल्ली में लाए हैं, कर्नाटक में भी उसी तरह के लाने की कोशिश करेंगे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह देहली होराटद हिन्दली मसूदे वापस पड़क मत नम इतर कूड़ा स्पंदी अंत सरकार मत को हिन्दली वापस तेदे चलवी आज कर्नाटक कृषि संबंधित कायदे केंद्र सरकार निर्देशन मेरे रूप ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ. ಮತ್ತು ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿನೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ವಾಪಸ್ಸಾಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಜಾನುವಾರು ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ಸಾಗಬೇಕು. ಈ ಮೂರು ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಕೂಡ ಜನವಿರೋಧಿ, ರೈತ ವಿರೋಧಿ, ಇಡೀ ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೈತ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮಳೆಯಿಂದ ಅತಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಯ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರನ ತುಂಬಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ದರಖಾಸ್ತು ಅರ್ಜಿ ಕೋರಿ 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಜಿ ಇದ್ದಾವೆ ಭೂಮಿ ಕೇಳಿ. 20 ಗುಂಟೆ 1 ಗುಂಟೆ ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದರು, ಸಣ್ಣ ರೈತರು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದರಖಾಸ್ತು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಕಬ್ಬು ಎಫ್ ಆರ್ ಪಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಗೆ 4,500 ರೂಪಾಯಿ ಟನ್ನಿಗೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಾಸೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಿರ್ಣಯ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಸೂದೆಗಳು ವಾಪಸ್ಸಾಗಬೇಕು. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಒಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ರೈತ ಅಧಿವೇಶನ. ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ರೈತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಅಧಿವೇಶನ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಅಜೆಂಡಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇಡೀ ಅಂತ ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿರ್ಣಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬರೋ ಫೆಬ್ರವರಿಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ರೈತರ ಪರ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಜನಪರ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬಗ್ಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಡಗಲ್ಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ, ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ದೆಹಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೋರಾಟ ನಡೆದು 700 ಜನ ರೈತರ ಒಂದು ಬಲಿದಾನ ಆಯಿತು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 3 ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದರೆ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆ ಹೋರಾಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನುಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಇವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗೆ ಮುಖಾಂತರ. ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಆ 3 ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ನವಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ರೈತರದು. ಭತ್ತ, ತೊಗರಿ, ಜೋಳ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು NDRF ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಏನಂತಂದರೆ ಓಬಿರಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಫಸಲ್ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆ ಏನಂದರೆ 1,000,000,000 ಕೋಟಿ ರೈತರಿಂದ ಇವತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಣ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ
ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೈತ ಅಧಿವೇಶನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಹೋದ್ರೆ ದೆಹಲಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ದಿನ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನ ರೈತರು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯ ರೈತರ ಮೇಲೆಯೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೃಷಿ ಕಾಯಿದೆಗಳನ್ನು ಏರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಕೃಷಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ದಬ್ಬುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೃಷಿ ವಲಯವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಜೆಂಡಾ ಆಗಿದೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವರ್ಷದ ದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದೆ ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಏನಂತ ಹೌದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಕಂಡ್ರೆ ನಾವು ತಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿದೆ ಈ ಥರ ಉಡಾಪೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ರೈತರ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಂದೆ ತರ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಠಮಾರಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ರೈತರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಕಾಯ್ದೆ ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕು ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಾನೂನನ್ನು ನೀವು ತರಬೇಕು ಆದರೆ ರೈತರನ್ನೇ ನೀವು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವಂಥ ಕಾನೂನು ತರೋದಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि एक अधिवेशन किसानों का यहाँ बेलगाम में भी चल रहा है तो हमें ज़रूरत थी कि इस अधिवेशन को पूरा सपोर्ट करने की क्योंकि ये अधिवेशन सिर्फ किसानों के लिए नहीं है ये अधिवेशन एक आम आदमी के लिए भी है क्योंकि ये जो तीन बिल वापस लेने की जो बात गवर्नमेंट ने की है ये बिल सिर्फ वापस लेने की सिर्फ बात हुई है इसके ताल्लुक से अभी कोई स्टेप आगे लिया नहीं गया है जब तक इस स्टेप को आगे नहीं लेते वापस नहीं लेते इस बिल को तब तक हमें इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए हमें हमारा पूरा सपोर्ट किसानों को देना चाहिए क्यों मतलब ये हर आम आदमी के हक की बात है अगर समझो एक बिल वापस नहीं लिया जाएगा तो आने वाले वक्त में हमें जो चावल आज 40-50 रुपये किलो में मिल रहा है हो सकता है हमें 500-1000 रुपये किलो में लेना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा एक गेम प्लान किया गया है ग्लोबली ना कि सिर्फ नेशनली और स्टेट वाइज नहीं है ग्लोबली एक प्लान किया गया है कि आने वाले वक्त में महंगाई को बढ़ाई जाए और आधा आम आदमी को दबाया जाए तो इसके लिए आने वाले वक्त में हम सोच नहीं सकते कि खाने पीने की चीज़ों का फिर अनाज का क्या एक वैल्यू हो सकता है तो हम देख सकते हैं कि जिस तरह से महंगाई अभी बढ़ी है आने वाले वक्त में और सारे इन्फ्लेमेशन आ सकते हैं महंगाई बढ़ने के लिए तो हमें चाहिए कि हमें पूरा किसानों को सपोर्ट करें और किसानों के हक के लिए हम भी उनके साथ में रहकर उनके साथ लड़े मैं आबिद खान SDPI से प्रेसिडेंट बेलगाम डिस्ट्रिक्ट सर इवतन होराट अरे देश कानून बंदव ಈ ಕಾನೂನು ಬರೇ ರೈತ ಇಡೀ ರೈತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆನ ಆದರೆ ನಾವು ದಲಿತರ ಬಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಲಿತ ಸಮಾಜಗಳು ಇದ್ದಂಥ ಜಾಗಗಳು ಒಂದು ಗುಂಟೆ ಎರಡು ಗುಂಟೆ ಹತ್ತು ಗುಂಟೆ ನಾವು 100 ಎಕರೆ ಗಂಟೆಲೆ ಯಾರ್ದೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಮೂರು ಇವು ಕರೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಲಿತ ಸಮಾಜನ ಹತ್ರ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಜೊತೆ ನಾವು ಯಾಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಈ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಾರ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಗಳು ಏನದಾವ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೂ ನಾವು ಬಲವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆವು ಅವ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಕಾಯಂ ಇರ್ತೀವಿ